ज्यादा रेंग के और कोई रेंग करके और गिर करके इससे ज्यादा कोई नहीं चला होगा। नू जाने वाले हैं आउटडोर चटनी बनने वाली है। पहली बार उन्नति काम आई है, उन्नति डिस्क्लोज कर दिया। मैंने भी बताना नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। गाइस मैंने डिस्क्लोज नहीं किया था कि हम कहाँ आ रहे हैं, लेकिन सबसे सबसे बुरा डिसीजन है संडे के दिन यहाँ पर आना। ये अभी सदमे में है, सदमे से बाहर नहीं आई। हम लोग इतनी शिकायतें करते हैं और सच में देखिए कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं लिटरली। मेरा मन कर रहा है मैं एक बार जोर से बोल दूँ, सारे बोलो जय माता। क्या सही लाइफ है, वो जो वो बैठे हैं ना वहाँ पे आराम से देख रहे हैं इंसानों को ऐसे मरते हुए। काफी सारी मेहनत करने के बाद अपन कर रहे हैं अभी, पति देव इसके लिए जरूर डांटेंगे। बस तू बेइज्जती मत कर। नो जोक्स अपार्ट, हमें संस्कृत आनी चाहिए क्योंकि वो हमारी ओरिजिनेटेड लैंग्वेज है। यस, हमें अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। लेकिन आज उन्नति के चक्कर में हुआ है, उन्नति से बातचीत करने के चक्कर में है। वो भी कुछ होता है वो मेरी ही वजह से तो होता है। मैं कुछ नहीं किया, इसको बस मैं लाद के ला रही हूँ अपने ऊपर, सब जिम्मेदारी मेरी है, मारो मुझे। बोला मुझे मत दिखाना लेकिन मैं दिखाऊंगी। सो गाइस एक बार फिर हम तीनों जाने वाले हैं आउटडोर किसी शूट के लिए नहीं लेकिन अपने ब्लॉग के शूट के लिए। तो स्टे ट्यून्ड, आज बहुत मजा आने वाला है। मैं पहले नहीं बताने वाली हूँ कि हम कहाँ जाने वाले हैं। मेरी चटनी बनने वाली है। हाँ सही बात है, काफी डरी हुई है मैं, इसको ऐसी जगह पर लेकर के जाने वाली हूँ। तो आप बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है, आपको वो जगह बहुत पसंद आएगी। पर मैं पहले नहीं बताने वाली हूँ, इसलिए नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि आप आखिरी तक ब्लॉग नहीं देखते, ये मेरी आपसे शिकायत है। तो देखना आखिरी तक, बाय। वही हुआ जिसका डर था, मैंने अपने मेट्रो कार्ड को चेक करा, उसमें रिचार्ज नहीं था। बट पहली बार गाइस, पहली बार उन्नति काम आई है। उन्नति ने इतनी अच्छी चीज़ बताई कि उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आपके पास एक मेट्रो का नंबर आता है और वो नंबर मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, उस नंबर पर आप जाइएगा मेट्रो में, उस नंबर पर हाई कीजिएगा व्हाट्सएप पर। तो उसके बाद आपको सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए आपको जहाँ से शुरू करनी है अपनी यात्रा और जहाँ पर समाप्त करनी है उसके मुताबिक आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ट्रेन आ गई गाइस, सो गाइस हम आधे रास्ते भी पहुंच गए हैं। और जैसा कि हमारी एक और फ्रेंड ने हमारे साथ आना था, आपने नोटिस किया होगा मैंने जब ब्लॉग की शुरुआत करी थी तो मेरे बाल बंधे हुए थे, लेकिन अब मैंने अपने बाल खोल लिए हैं सिर्फ इस वजह से। हेलो गाइस, इसकी वजह से मुझे अपने बाल खोलने पड़े क्योंकि हम इसका तो मुकाबला नहीं कर सकते। उन्नति गाइस आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, सब हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। देखो गाइस, और सब सामान लेके जाते हैं, हमारी चावल के लौटे थे, सारी पूरी पैकिंग, छोटी बच्ची है ना, हाइजीनिक तो हम लोग प्रेफर ही नहीं करते गाइस। सो गाइस मिल लो इससे रितु से, जिससे आप पहले भी मिले हुए हो। आप कैसी लग रही गाइस, ये बता देना। काम बिगाड़ा नहीं, आज काम नहीं बिगाड़ेंगे गाइस। मैंने डिस्क्लोज नहीं किया था कि हम कहाँ आ रहे हैं, लेकिन सबसे सबसे बुरा डिसीजन है संडे के दिन यहाँ पर आना। और हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, कहाँ पहुँच गए हैं, ये अभी सदमे में है, सदमे से बाहर नहीं आई है। हम कहाँ आए हैं, सरोजनी नगर, सौ के पाँच। करते हैं और सच में देखिए कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं लिटरली। बहुत बहुत अच्छा डांस किया, सुपर डांस किया। सो फाइनली हम आ गए हैं सरोजनी नगर।
गाइस इतनी भीड़ में ना सच में अंदर जाने का मन नहीं कर रहा. लुक एट द भीड़ गाइस, लुक एट द भीड़ गाइस. उन्नति कैंसिल कर दे क्या अंदर जाना? मैं तो यही सोच रही हूँ. ऐसा ही उल्टा दिख रहा है लेकिन इस समय उल्टा करके ऐसा लग रहा है. मेरा मन कर रहा है मैं एक बार जोर से बोल दूँ, सारे बोलो जय माता, जय माता दी. लोग भी नजारा देख रहे हैं, ये सरोजनी नगर का नजारा है गाइस. देखो आपको सिर्फ सिर ही सिर नजर आएंगे. क्या सही लाइफ है. वो जो वो बैठे हैं ना वहाँ पे आराम से देख रहे हैं इंसानों को ऐसे मरते हुए. ये तो स्क्रीन पे पहनेगी क्या? यस. वाह क्या ब्लेजर चूज किया उन्नति. पीच कलर, वो पीछे पीच कलर, पीच. अच्छा पीच कलर. काफी सारी मेहनत करने के बाद अपन कर रहे हैं अभी पति देव, इसके लिए जरूर डांटेंगे. ये लोग बिजी है खाने में. सो गाइस हमने कपड़े वपड़े खरीद लिए, अब हमारी ज्वेलरी खरीदने का टाइम है. आई मीन ये तो उन्नति के लिए खरीद ले, लेकिन बार्गेनिंग मैं कर रही हूँ. जैसा कि हमारे बाकी भैया कर नहीं रहे हैं, देख लो ये भैया बार्गेनिंग नहीं करते. चलो गाइज हम प्राइस फोन पे डिस्कस भी करेंगे. बाय बाय गाइज. जैसे ही वीडियो बनानी होती है मैं बाल खोल लेती हूँ, और अब हमारा जाने का टाइम हो गया है. रितु गच्छामी, बाय बाय रितु. तमम गच्छामि गजा गजा गजमं गच्छामि मन गच्छ गच्छामि. गाइज आपको कैसे संस्कृत आती है जरूर हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा. ऑन अ सीरियस नोट, जोक्स अपार्ट, हमें संस्कृत आनी चाहिए क्योंकि वो हमारी ओरिजिनेटेड लैंग्वेज है. यस, हमें अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए. चलो बहुत हुआ आज का ज्ञान. बाय बाय. हे गाइस, सो सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी कि मैं अंदर की वीडियोस नहीं बना पाई क्योंकि अंदर बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन काफ़ी मज़ा आया. हम बहुत रेंग रेंग के चले हैं. लेकिन इससे ज़्यादा पैकअप हो चुका है इसका तो पैकअप. इससे ज़्यादा रेंग के और कोई रेंग करके और गिर करके इससे ज़्यादा कोई नहीं चला होगा. सो गाइज मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या ख़रीदा है. ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा. और गाइज प्लीज़ हम कम से कम नहीं तो 1K व्यूज का तो टारगेट रख ही सकते हैं. 1K और रिकॉर्ड को मेंटेन करते हुए. लेकिन आज उन्नति के चक्कर में हुआ है, उन्नति से बातचीत करने के चक्कर में है. वो भी कुछ होता है वो मेरी ही वजह से तो होता है. हम 3 स्टेशन आगे आ गए हैं मेरी वजह से. अरे ये सिर्फ और सिर्फ उन्नति की वजह से. उन्नति मुझे दिखाओ हमने क्या लिया है, वो जो मैंने सेट लेना है मुझे जल्दी दिखाओ जल्दी दिखाओ. तो इसकी वजह से हुआ है गाइज. आज मेरी कोई गलती नहीं है, आज मेरी कोई गलती नहीं है. तो होते रहते छोटे छोटे आज से. तो सॉरी मांग ले उन्नति, रहने दो. जिसे मेट्रो आती थी वो बताएगा कि मैं बताऊंगी किस पे उतर रहा है जो दूसरी बार आ रही है बेचारी. इसको मैं बस इसने कुछ नहीं किया, इसको बस मैं लाद के ला रही हूँ अपने ऊपर. सब जिम्मेदारी मेरी है, मारो मुझे. सब जिम्मेदारी मेरी है. चलो बाय बाय. तो मैंने कहा था कि मैं घर जा करके ट्राई करके दिखाऊंगी. सबसे पहले आई एम रियली सॉरी गाइज कि मैं अंदर की वीडियोस नहीं बना पाई क्योंकि मैंने आपको बाहर ही दिखा दिया था. सिर्फ और सिर्फ इतने इतने सिर दिखाई दे रहे थे, यानी कि हम लिटरली ऐसे ऐसे करके चल रहे थे, जगह ही नहीं थी बिल्कुल भी. इसलिए इस बार मैंने बहुत कम शॉपिंग करी है. ये ब्लेजर मैंने लिया है, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा है. इसके फ्लारी स्लीव्स भी है, हम इसको प्लेन भी बना सकते हैं अगर किसी को ज्यादा वो लग रहा है तो. देखिए प्लेन स्लीव्स है और ये ब्लैक ट्राउजर है, फॉर्मल ट्राउजर. एंड जो ट्राउजर मैंने बाकी लिए हैं ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग मैंने लिया है ट्राउजर गाइज. और सबसे प्यारा जो कि पतिदेव को भी पसंद आया है, बहुत प्यारा कलर है और बहुत इसका बहुत ही प्यारा फिट भी आया है. और एक शर्ट है जो कि इसको कोई भी डाल सकता है, तो मेरी तो लड़ाई हो गई कि मैं ही इसे पहनने वाली हूँ. बहुत गर्म है, आप देखिए अंदर से इसका स्टफ देखिए गाइस, सिंगल ही बतेरी है ये. तो ऐसी बैगी बैगी स्टाइल की शर्ट्स बहुत प्यारी लगती है.
मुझसे देख के रहा नहीं गया। हालांकि मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना था, मुझे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल शॉपिंग ही करनी थी। मैंने फॉर्मल शॉपिंग के साथ साथ एक ये एक्स्ट्रा शॉपिंग करी है। तो आप मेरी शॉपिंग को बता सकते कैसे? और मैं सबसे पहले आपको बता दूं, सिर्फ यही 300 का है, बाकी सारी चीजें 200 की हैं। 200 जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। इतना प्यारा कलर है, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। और आपको मेरा व्लॉग जस्ट वाओ लगा है या नहीं लगा है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा प्यार दीजिए और इस बार हम टारगेट लेकर के चलेंगे गाइस, क्योंकि हम टारगेट लेकर के नहीं चलते तो आप हमें प्यार नहीं देते हो। तो इस बार हम 2K एटलीस्ट व्यूज का टारगेट लेकर के चलते हैं और 100 लाइक्स का टारगेट लेकर के चले गाइस प्लीज। 100 लाइक्स तो मैं डिजर्व करती हूँ, आई थिंक सो। सो मच लव, लव यू ऑल, बहुत सारा अपना प्यार दीजिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे।